राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या है, जिसका एक कारण वाहनों के लिए पार्किंग का स्थान न होना भी है। लोग सड़क पर ही जहां तहां वाहन पार्क करने को विवश रहते हैं। ऐसे में कई बार लोगों के वाहन को पुलिस की क्रेन से खींच कर ले जाना पड़ता है। इस पर जिलाधिकारी ने भी चिंता जताते हुए समाधान की ओर कदम बढ़ाया है। बता दें, शहर में 5 ऑटोमेटेड पार्किंग निर्माण की तैयारी है। हालांकि पूरी तरह सड़कों पर जाम की समस्या समाप्त तो होना तो संभव नहीं, लेकिन पर्याप्त पार्किंग स्थल होने से शहर में कुछ राहत जरूर मिलेगी। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश नगर निगम ने 5 स्थानों पर पार्किंग निर्माण के लिए भूमि चयनित कर प्रस्ताव पर कार्य शुरू कर दिया है। इन सभी पार्किंग में आधुनिक तकनीक से वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था बनाई जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, इसमें 2 ऑटोमेटेड पार्किंग हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में है, और एक हमारा सतही पार्किंग जिसको एक सुगम रूप दिया जाएगा, वो हमारे काबुल हाउस है। तो उसके जो हमारी बिल्ड्स हैं वो फ्लोट हो चुकी हैं, और उम्मीद है कि इसमें जल्दी काम शुरू हो जाए।